लाइन बनाओ कहाँ है मैम ने लाइन बनाओ सारे लाइन बनाओ यूनिवर्सिटी में आके भी लाइन बनाओ यार बस रूल एंड रेगुलेशन हर जगह फॉलो करना होता है हाँ बिल्कुल आप सबकी भरपूर तालियों में मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस जिन्होंने इस्लामाबाद में बहुत काम किया है अजीम शख्सियत डॉक्टर जफर इकबाल साहब आप सबकी भरपूर तालियों देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही मैं चुप कर अंधेरे में इबादत नहीं करता दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म को सहता है बगावत नहीं करता इस शेर के साथ आप सबकी भरपूर थालियों में बुलाना चाहूंगा सीनियर सहाफी सीनियर एंकर रिपोर्टर जनाब अतुल्ला जान साहब को इसके बाद मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत ही बड़ा नाम हमारे उस्ताद बहुत कुछ सीखते हैं फील्ड में उनसे खड़े सवाल भी करते हैं आप सबकी भरपूर थालियों में एजाज सिंह साहब को गुलाम करते हैं खवातीन सहाफियों के लिए मशले राह हमेशा खवातीन के हकूक पे बात की है मायनाज एंकर पर्सन है प्रोग्राम करती है जी टीवी पे आप सबकी भरपूर थालियों में तंजीला मदर साहिबा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सबकी भरपूर तालियों में बताना चाहूंगा जनाब असदुल्लाह खान साहब को जो कि एंकर पर्सन है प्रोग्राम करते हैं नेशनल न्यूज़ में आवाज बंद करने वाली आप सबकी भरपूर तालियों में तंजीला अहमद साहब और सबसे पहली बात तो ये कि सहाफी सहाफी होता है और ये मर्द सहाफी भी खवातीन के हुकूक के लिए बात करते हैं इनके लिए भी तालियां बजाइए आप जब सहाफी बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप खवातीन के हुकूक अगर मारे जा रहे हों इस मुल्क में तो आप उसकी बात नहीं करेंगे आप जब सहाफी बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मर्दों के हक तलफी हो रही हो और आप उस पर बात नहीं करेंगे सो जो सहाफी है ये जो शोबा है ये इस रियासत के हर शहरी के हुकूक की पामाली पर आवाज़ बुलंद करने का काम करता है आपको हमारी करने वो भी लड़वाने वाले नहीं होते और मैं तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट सी खाती हूँ मैं तो बिल्कुल ये जो राय है ना मुझे ये लगता है कि बहुत वेल इन्फॉर्म्ड या कंसिडर्ड ओपिनियन है नहीं साहब उनको हम बुलाएंगे लेकिन उनके बारे में एक बात बता दूं पिछले दिनों हम ऑफिस में मैं क्योंकि रोजनामा उस्ताद में काम करता हूं हमारे कोलीग ने वहां पे बात की कि इस्लामाबाद पे वो कौन कौन से मशहूर जर्नलिस्ट हैं जिनके नाम में जान आता है मैंने मुझसे डायरेक्टली निकल गया मदीउल्लाह जान तो आपकी जिन्होंने सहाफत को एक नया रंग दिया है और अब सहाफियों के लिए मैं कैमरामैन की जरूरत होती है
है, ना सहाबी की फील्डिंग की जरूरत होती है, बल्कि ना सब अपना मोबाइल लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर रिकॉर्डिंग भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, की जान पर भी पड़ी रहती है। कोई तो पाकिस्तान लोगों की जान बन जाते हैं, किसी को जान बचाना मुश्किल हो जाती है। सब बहुत शुक्रिया साथी साहबियों, बड़ी खुशी हुई, बड़े अच्छे बात हमें एक इस्लामी या इस्लामिक यूनिवर्सिटी में खुल के बात करने का मौका मिल जाए। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पे खवातीन तालबिलम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं लास्ट टाइम जो इंटरनेशनल कैंपस है आप लोगों का, इनके साथ भी बात करने का, उनके साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का तरीका सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। मगर कभी कभी जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये जो खवातीन हैं आप इनसे बात नहीं कर सकते, इनसे आप इनको इनके आप साथ बैठ के कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सब अपने अपने आप मुझे बताएं कि इस वक्त कितने रिपोर्टर हैं जो कि मीडिया से जुड़े थे, कितने रिपोर्टर हैं जिनके पास मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की डिग्री थी। हमारे भाई थे, उन पढ़कर चार साल लगाकर एमएस में दो साल लगाकर जब वो जाते हैं फील्ड में, जब वो जाते हैं न्यूज चैनल में, तो एक एक दो दो साल वो इंटर्नशिप के लिए पार होते हैं, कभी भी किसी एंगल में इनके लिए आवाज नहीं उठाया। हमें भी जो है हमारे दिलों में भी बहुत सारी बातें हैं, गिले शुक्र हमारे भी है खुदा का, जो मेरे पास लोग आगे बैठे हुए हैं उनसे इल्तिमास है, आप लोग जो है हमारे मशवरा है, आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये था कि आप हमारे लिए एक जो एक पाथ है वो हमें बता दें कि जो यहाँ से डिग्रिया लेकर यहाँ चार साल गुजार कर यहाँ दो साल में एम एस करके यहाँ पे निकलते हैं, तो आगे उनको किस तरह फील्ड में हम मौके फ्राहम कर सकते हैं। क्योंकि मजूदा दास साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम साथ ही रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका भी इनसे मिलता है। आज़ादी सहावत पर इन्होंने बात की दो दिन कबल, मतलब चार दिन कबल हाईकोर्ट में मैंने एक मोहतरमा से क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पर आई है और आपको शायर शान तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया है, किस बुनियाद पर, किस वजह से आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। शाम को मुझे रेड न्यूज की कॉल आई कि आपने ये सवाल क्यों किया है। पाकिस्तान के लिए साहब के एक सीनियर सियासतदान है, श्री अरब की करप्शन की थी लाहौर में, मैंने स्टोरी फाइल की, शाम को मुझे कॉल आई कि आपने क्यों किया। जब हम जैसे जूनियर्स यूनिवर्सिटी से पढ़कर आगे जाते हैं तो यहाँ पर चार साल में बीएस करके दो साल एमएस करके यहाँ से निकलते हैं, जब हम आज़ादी सहाफत पर बात करते हैं, जब हम किसी की करप्शन की कहानी सामने लेके आते हैं तो हमें भी गाली आती है। तो आप सबसे इल्तिमास है कि काइंडली जो यहाँ बच्चे हैं जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाए। वाह जबरदस्त, इस माहौल में इतनी बड़ी पिच रख दी है ना कि बात करते हुए मैं सोचता हूँ कि मेरी बात पता नहीं पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, साथी यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया। काफ़ी थके थके लग रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा लाइट आपसे गुफ्तगू करें, नौजवानों ने बड़े शेर यहाँ पे पढ़े तो मैं फिलहाल भी शेरों से ही आवाज़ करूँ तो अच्छा नहीं लगता कि इतने शेर पढ़ रहे हैं तो मैं भी कुछ जवाब दूँ। उन्होंने कहा जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। मैंने कहा ये बढ़े या घटे तो सच न रहे, बढ़े या घटे तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, कोई इंतहा ही नहीं। और वो कहता है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ये जो हम मीडिया का रोना रो रहे हैं ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे मौजूद होंगे जो कि शायद उनसे इख्तिलाफ रखते हैं और इख्तिलाफ की राय होनी भी चाहिए लेकिन तमीज के दायरे में। तो बिल्कुल खुशमदीद,
माहौल इतना, तो अपने साथियों से कहते कि यार मेरी जगह खाली छोड़ना, मैंने कुछ अरसे बाद वापस कुछ अरसे बाद वापस आ जाता, लेकिन एक बार जब निकला फिर काफी अरसे वापस नहीं आया। चाय पीने चलते हैं।